press the subscribe button, press the bell icon. You will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर जो होता है हम दूध बनाने के काम में ले सकते हैं, इससे हम केक में या स्वीट में काम लेते हैं. इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच पिस्ता, 15-20 बादाम, 3 हरी इलायची और 1 पिंच केसर और 15-20 काजू. हमें इन सबको एक साथ मिक्सर में ग्राइंड करना है. बादाम, काजू, 15-20 काजू हैं और 3 हरी इलायची. इन सबको पीसना है, एक फाइन पेस्ट बनाना है इसका. अभी भी देखिए पूरी तरह रेडी, देखिए पूरी तरह रेडी हो चुका है. अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे. ये मिल्क पाउडर जो होता है ये बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस देता है और बहुत ही टेस्टी लगता है. अगर जैसे हम कोई भी बॉयल दूध करें, दूध को बॉयल करके उसके अंदर आप मिल्क पाउडर मिक्स करें तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है उस चीज़ का. अब हम इस बाउल में मिल्क पाउडर ट्रांसफ़र करेंगे. आप इसे कभी भी रसमलाई बनाएं तब भी काम में ले सकते हैं डालने के लिए. आप इसे किसी भी स्वीट डिश में काम ले सकते हैं. अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में इसको मिक्स करके पीजिए, बहुत टेस्टी लगता है. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको हम डालेंगे. मेक श्योर कि एयर टाइट कंटेनर में ही रहे, अदरवाइज़ इसकी जो फ्रेगनेंस आती है, अपन ने जो केसर ये डाला है, इस इलायची डाली है, इसकी वो चीज़ महक ख़त्म हो जाएगी. तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें. एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से काम में ले सकते हैं. फ्रीज में रहेगा तो ये ज़्यादा दिन ही चलता है. और ये हमारा मिल्क पाउडर है जो बनकर रेडी हो चुका है. आप इसे यूज़ कीजिए, बनाइए और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग.